महात्मा गांधी के हम असर और उन्हीं की तरह फलसफा आदम तशद्दुद के अलमबरदार मारूफ पख्तून रहनुमा खान अब्दुल गफ्फार खान उर्फ बाचा खान ने अपनी मिसाली शख्सियत और कायदाना सलाहियतों की बदौलत मुत्तहिदा हिंदुस्तान में बसने वाले पख्तूनों को सियासी और समाजी तौर पर मुतहर्रिक किया और सरहदी गांधी कहलाए। इनसे मुतासिर होकर लाखों अफराद ने इनकी खुदाई खदमतगार तहरीक में शमूलियत इख्तियार की। खान अब्दुल गफ्फार खान अपने पैरोकारों के लिए बाचा खान थे और इंडिया की तहरीक आज़ादी के चंद अहम तरीन रहनुमाओं में से एक थे। तकसीम हिंद के बाद इनके बाद मुखालफीन ने अपने ज़ाती सियासी मफादात की वजह से पाकिस्तान में इनकी शख्सियत को मसख करके पेश किया और अदम तशद्दुद के फलसफे को परवान चढ़ाने के बावजूद इन पर गद्दारी के फतवे लगाए गए। अगर ये कहा जाए कि तकसीम बरसगीर से कबल और पाकिस्तान बनने के बाद इस खत्ते में जिन रहनुमाओं पर सबसे ज़्यादा गद्दारी के फतवे लगे, जिला वतन हुए और लंबे लंबे अरसे तक जेलें काटी, उनमें बाचा खान का नाम सर फहरिस्त है तो शायद बेजा ना होगा। बाचा खान के बेटे वली खान अपनी किताब खुदाई खदमतगार तहरीक में लिखते हैं कि खुदाई खदमतगार तहरीक के रहनुमाओं और उन लोगों को पाकिस्तान दीन इस्लाम और कौम का गद्दार करार दिया गया जो सियासी फ्रंट पर हुकूमत की मुखालफत कर रहे थे, जबकि इन इकदाम को कानूनी जवाब फराहम करने के लिए जो ऑर्डीनेंस जारी किया गया उसमें इस बात पर भी पाबंदी आयद की गई कि ऐसे संगीन जराइम के तहत गिरफ्तार या नज़रबंद होने वाले अफराद किसी अदालत को अपनी सफाई या वजाहत पेश नहीं कर सकते थे, जबकि ऐसे अफराद की मनकूला व गैर मनकूला जायदाद बहक के सरकार जब्त करने का हक हुकूमत को हासिल था। बाचा खान की गिरफ्तारी और खुदाई खदमतगार तहरीक के कारकुनान और रहनुमाओं की नज़रबंदियों का शदीद रद्दअमल हुआ। बाचा खान के भाई डॉक्टर खान साहब ने इन कार्रवाइयों के खिलाफ बाबड़ा नामी इलाके में एहतजाजी जलसे के इनेकाद का ऐलान किया, मगर उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया। डॉक्टर खान साहब की गिरफ्तारी के बावजूद वक्त मुकर्रा पर यानी 12 अगस्त 1948 को हज़ारों अफराद बाबड़ा में इकट्ठे हुए। उस वक्त की हुकूमत के मुताबिक इस हजूम को मुंतशिर करने के लिए सिक्योरिटी इदारों ने कार्रवाई की और फायरिंग के नतीजे में 2 दर्जन के लगभग अफराद जामाक हुए, जबकि खुदाई खदमतगारों के दावे के मुताबिक उस रोज़ होने वाली हलाकतों की तादाद 600 के करीब थी। इस बड़े वाक़े के बाद सूबा सरहद के वज़ीर आला खान अब्दुल कयूम खान ने चौक यादगार पिशावर में तकरीर करते हुए कहा कि उन्होंने बाबड़ा में खुदाई खदमतगारों को वो सबक दिया जिसे वो ज़िंदगी भर याद रखेंगे। मैंने बाबड़ा में दफ़ा 144 नाफिज कर दी थी, जब लोग मुंतशिर नहीं हुए तो तब उन पर फायरिंग की गई। वो खुशकिस्मत थे कि पुलिस के पास असलहा ख़त्म हो गया, वरना वहाँ से एक भी आदमी जिंदा बचकर ना जाता। ये अंग्रेज़ों की नहीं मुस्लिम लीग की हुकूमत है और इस हुकूमत का नाम कयूम खान है। खुदाई खिदमतगार मुल्क के गद्दार हैं, मैं इनका नामो निशान मिटा दूंगा। इस तमाम तर सूरत हाल के बावजूद बाचा खान ने अदम तशद्दुद का अलम बुलंद किए रखा। अगर ये कहा जाए कि तकसीम बरसगीर से कबल और पाकिस्तान बनने के बाद इस खत्ते में सबसे ज़्यादा गद्दारी के फतवे बाचा खान पर लगे तो ये गलत ना होगा। तारीख़ चार सदा समेत कई किताबों के मुसन्निफ़ डॉक्टर सुहेल खान बाचा खान की तवील कैद के हवाले से अपने मकाले में लिखते हैं कि बाचा खान को पहली बार अप्रैल 1919 में अंग्रेज़ ने रिवॉल्ट एक्ट के तहत एहतजाज पर गिरफ्तार किया। दिसंबर 2019 में दूसरी मरतबा इन्हें उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब वो अपनी दूसरी शादी की तैयारियों में मसरूफ थे। वो लिखते हैं कि तीसरी बार उन्हें दिसंबर 1921 में अतमानजई के आज़ाद स्कूल में बच्चों के लिए फुटबॉल ग्राउंड बनाते हुए गिरफ्तार किया गया। चौथी बार उन्हें नक्की के मुकाम पर अप्रैल 1930 में जलसे के लिए पिशावर जाते हुए गिरफ्तार किया गया। पाँचवीं बार उन्हें दिसंबर 1931 में गिरफ्तार किया गया। सातवीं मरतबा वो उस वक्त गिरफ्तार हुए जब कांग्रेस की वर्किंग कमेटी ने हिंदुस्तान छोड़ दो तहरीक का ऐलान किया। डॉक्टर सुहेल की तहकीक के मुताबिक इन 7 गिरफ्तारियों को दौरानिया 14 बरस 6 महीने और 9 दिन बनता है, जो पाकिस्तान बनने से पहले का है, और गिरफ्तारियों का यह सिलसिला पाकिस्तान बनने के बाद भी दोहराया गया और वह 12 मुख्तलिफ मौक़ों पर गिरफ्तार हुए और कुल मिलाकर गिरफ्तारियों का यह दौरानिया 39 बरस बनता है। पाकिस्तान बनने के बाद वह पहली बार 15 जून 1948 को गिरफ्तार हुए। नेल्सन मंडेला ने कहा था कि उन्होंने हुरियत का सबक बाचा खान से सीखा था। डॉक्टर सुहेल खान अपनी तहकीक की बुनियाद पर दावा करते हैं कि इसमें कोई हकीकत नहीं कि बाचा खान ने आदम तशद्दुद का फलसफा गांधी जी से लिया है, क्योंकि जब बाचा खान 1919 में फलसफा पेश कर रहे थे तो गांधी उस वक्त जनूबी अफ्रीका में थे। वली खान ने अपनी किताब में लिखा कि गांधी ने सन 1938 में बाबड़ा में अपनी पहली तकरीर की तो उस वक्त वहाँ पर 60-70 हज़ार लोग मौजूद थे, और उस जगह तकरीर करते हुए गांधी ने कहा था कि हिंदुस्तान में अदम तशद्दुद का फलसफा चलाना कोई मुश्किल काम नहीं, क्योंकि वहाँ के लोग वैसे भी तशद्दुद से घबराते थे, लेकिन वो ये सब देखने के लिए चार सदा आए हैं ताकि अपनी आंखों से देख सकें कि बाचा खान ने इस कौम यानी पख्तूनों को कैसे अदम तशद्दुद पर तैयार किया, जो असलहे से भी लेस थे, जज्बाती भी थे, और उनको रोका जाना भी आसान नहीं था। सन 1988 में 99 बरस की उम्र में वफात पाने वाले बाचा खान को उनकी वसीयत के मुताबिक अफगानिस्तान के शहर जलालाबाद में दफन किया गया। एक ऐसे वक्त में जब जलालाबाद में जंग जारी थी, दोनों फरीकैन ने बाचा खान की तदफीन के लिए बाज़ाब्ता तौर पर जंग बंदी का ऐलान किया ताकि तदफीन का अमल मुकम्मल हो सके।
यूट्यूब पर गूगली न्यूज देखने के लिए YouTube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।